Today we will learn about the agriculture part 2 video. We will discuss some topics, intensive subsistence farming and commercial farming. Good morning dear students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा. डियर स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा था, जिसमें प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा था, जिसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं. उसके बाद हमने झूमिंग पढ़ा था. झूमिंग जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के जो है इंडिया में, इवन दो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको अलग अलग नामों से जाना जाता, उसके बारे में हमने पढ़ा था. फिर हमने एक रिंझा, एक लड़की थी, उसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया था. और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग का. इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अलावा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ेंगे. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ेंगे. तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे. प्लीज अपने को बिल्कुल यहीं पे रखिएगा, बुक आप खोल सकते हैं और देखिएगा. डियर स्टूडेंट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका सबसे पहले हिंदी मीनिंग है गहन जीवन यापन खेती. यानी कि जहां पर इस पर, ये किस पर, ये एक्चुअली में होता क्या है, जहां पर लैंड कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है. इसका मेन क्या है, ये इट इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. इसमें क्या है, लेबर बहुत करनी पड़ती है. और जहां पर लैंड पर प्रेशर होता है पॉपुलेशन का कि फसल ज्यादा होगा, वहां पर मजबूरी है, तो वहां पर इस प्रकार की खेती प्रैक्टिस की जाती है. वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन. तो इसमें क्या है, आपको बायोकेमिकल्स यूज होता है और इरिगेशन सिस्टम भी इसमें यूज होता था. पहले आपने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कि जो इरिगेशन के लिए जो है, जो किसान जो था वो केवल नेचर पर या मानसून पर वो निर्भर करता था, लेकिन यहां पर इस प्रकार के इनपुट्स वो यूज करता है ताकि वो समय समय पर अपनी फसलों को पानी की जब भी आवश्यकता हो वो प्रदान कर सके. अब नेक्स्ट है आपका, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इन प्रैक्टिस, इस प्रकार की जो फार्मिंग है कहाँ कहाँ होती है. आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, जो भी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वहां पर इस प्रकार की खेती आपको देखने को मिलेगी. क्योंकि यहां पर इसका एक कारण है, थ्रू द राइट टू इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत. हमारे यहाँ क्या है कि जो जो एनेस्टर्स, जो पूर्वजों, हमारी खेती बाड़ी जो दूसरे वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है, बाप से बेटे को, बेटे से फिर उसके बेटे को, इस प्रकार से हो जाती है. तो हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का राइट है, एक प्रकार से एक सिस्टम चला विरासत का, तो लीडिंग टू द डिविजन ऑफ द लैंड अमोंग द सक्सेसिव जनरेशन. तो ये क्या है, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या है, लैंड का डिविजन हो जाता है. तो इससे क्या, जो लैंड जो है छोटे छोटे साइजों में बढ़ जाता है. आपको मालूम है जब लैंड जब छोटे छोटे साइजों में बढ़ जाएगा तो उसकी सिक्योरिटी के लिए पानी कहीं बाहर ना हो जाए, भाई ये आपका खेत है वो मेरा खेत है, तो हम उसमें डोली सी बांध, आपको एक चारों तरफ से वाड़ाबंदी कर देते हैं. तो वहां पर डोले, जहां पर वाड़ाबंदी करते हैं उस पर तो फसल होती नहीं है. तो इस प्रकार से अनइकोनॉमिकली जो है इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन कम होता है. द फार्मर कंटिन्यू टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड. अगर जीवन यापन के लिए फार्मर के पास में कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है तो वो क्या करता है, जो उसके पास होता है उसी से ज्यादा ज्यादा कमाने की कोशिश करता है. तो ऐसे लैंड है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में छोटे छोटे में बढ़ जाता है, तो वहां पे फार्मर्स क्या करता है कि उसी लैंड में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना चाहता है. और उसके लिए क्या यूज करता है, वो बायोकेमिकल्स और इरिगेशन सिस्टम यूज करता है. उसके बाद दस, देर इज ए इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड. इसका मतलब है कि लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इतना फसल वहां पर उगना चाहिए. अच्छा, अब आता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग. अभी हमने जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, हमने एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़े थे, इसमें दो हमने टाइप पढ़े थे, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा पढ़ा था मैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अभी ऐसी फार्मिंग भी की जाती है जो केवल ओनली फॉर द प्रॉफिट के पर्पज से की जाती है, ओनली फॉर द मार्केट के हिसाब से की जाती है. तो उसमें आपका आता है कॉमर्शियल फार्मिंग. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स में क्या क्या आते हैं, आपके आते हैं हाईब्रिड के बीज आते हैं, इसे हम बोलते हैं एच हाई यील्डिंग वेराइटीज, एच वाई वी सीड्स बोलते हैं, जो जल्दी ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं. जैसे आपने देखा होगा खीरे कई प्रकार के आते हैं, बोला देसी खीरे, हाईब्रिड खीरे. तो ये जो क्या होते हैं, ये एच वाई वी वीड्स के बीज आते हैं जो जल्दी प्रोडक्शन देते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, वो यूज होते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास में, हम यूरिया मारते हैं, डाई मारते हैं, सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स में आते हैं. इंसेक्टिसाइड्स हैं,
कीटनाशक भी आपको मिलते हैं, पेस्टिसाइड हैं, जो भी आपके कीट पतंगे होते हैं उनको मारने के लिए हम दवाई यूज करते हैं, गैमेक्सिन यूज करते हैं, अदर प्रकार के केमिकल्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि फसल जो आपकी इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स और जो भी प्रोडक्शन में जो भी कमी आ रही है उसको पूरा कर सके, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा हो सके उनको यूज करते हैं। द डिग्री ऑफ द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो कॉमर्शलाइजेशन है खेती का वो एक रीजन से दूसरे रीजन पर निर्भर करता है। क्यों करता है, इसका एग्जाम्पल है राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। भाई हरियाणा के लोग राइस कम खाते हैं, बोते तो काफी हैं, राइस कम खाते हैं, तो वो क्या है, वो जितना भी राइस होता है वो क्या उसको दूसरे जगह बेच सकते हैं, तो वो मार्केट के लिए होगी, तो दैट इज ग्रोइंग फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द बेनिफिट्स। लेकिन वहीं अगर पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो ये आपका कॉमर्शियल है, क्योंकि वहां पर वो इतना कंज्यूम नहीं करते हैं और वो मार्केट में निकाल देते हैं सभी कुछ। बट इन उड़ीसा, उड़ीसा में क्या स्टेपल फूड में आता है आपका राइस, तो वहां पे राइस का प्रोडक्शन तो यहां से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां के लोग मैक्सिमम उसको यूज करते हैं, तो दैट इज नॉट फॉर द मार्केट, दैट इज नॉट फॉर द बेनिफिशियल, दैट इज फॉर द सब्सिस्टेंस। तो ये यहां पर इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है आप उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है आपका यहां पर कॉमर्शियल नहीं है उड़ीसा में, जबकि हरियाणा और पंजाब में है। इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप, वहां पर क्या है वो जीवन यापन के लिए, यानी कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। अभी एक क्वेश्चन आता है आपका, कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप विच मे बी कॉमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिडी अदर। तो ये आपको अपने आप करना है बच्चों, कि आपको देखना कि हमारे यहाँ पर कौन सी, जैसे भारत की बात करते हैं, अगर पूरे कंट्री की बात करते हैं, दालें सबसे ज्यादा भारत में पैदा होती हैं, जो अगर पल्सिस की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर पैदा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी इंडिया में ही है, तो हम उसको एक तरीके से क्या देख सकते हैं, सफिशियंट फार्मिंग के रूप में देख सकते हैं, ना कि हम कॉमर्शियल के। कॉमर्शियल तो दैट इज ओनली फॉर द बेनिफिट फॉर द मार्केट है एक प्रकार से, आप सोचिएगा। अभी इसका हम एग्जांपल देते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो अब इस एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन से आते हैं। यहां पे एक वर्ड आता है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन है इज ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्ज एरिया, द सिस्टम इन विच वी आर ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप इन ए लार्ज एरिया, यानी कि एक ही प्रकार की क्रॉप्स को हम एक बहुत बड़े एरिया में जिसको जो हम बोते हैं, जैसे गन्ना है, वह ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़े से खेत में गन्ना बो दिया, थोड़े से में दाल बो दी, थोड़े से में मक्का बो दी, एक ही खेत में कई फसल ले ले, नहीं ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं और तो स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रीज होती है, फॉर द मार्केट होती है, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर है, आपका टी है, कॉफी है, रबड़ है, सुगर कैन है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं मोस्टली, क्या एक ही प्रकार का प्लांट लगाया जाता काफी उस पे। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एक प्रकार से आप इसका अंतरा फलक समझिएगा, एक प्रकार से मीडियम सोचिएगा कि एग्रीकल्चर और इसके बीच की कड़ी है ये इंडस्ट्री के बीच की। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंस। अब जब एक ही प्रकार की फसल बोते हैं तो किसी कॉमर्शियल पर्पज से तो बोते हैं उसको मोस्टली, तो उसमें कैपिटल यानी कि पूंजी आपकी बहुत लगती है। कैपिटल में कई प्रकार की ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती है, आपका फिजिकल कैपिटल भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें फिक्स कैपिटल भी हो सकती है, तो इसमें आपका कैपिटल इंटेंस यानी ज्यादा कैपिटल लगता है विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स, और इसमें जो बाहर से आई हुई जो लेबर्स है हम उसको यूज करते हैं। जैसे कभी कभी अपने खेतों में अपने बहुत बड़ी क्रॉप्स हमने फसल बोई हुई है तो उसमें हमारे पास इतना ह्यूमन लेबर नहीं होता है, तो हम क्या बाहर से लोग मंगाते हैं उसमें खेती में काम करने के लिए, तो माइग्रेंट लेबर कहलाती है। कभी कभी अभी मेंज का आने वाला, वो अभी आपका जो पेड़ी लगने वाली है, तो पेड़ी में क्या करते हैं किसान, बहुत सारे किसान क्या बाहर से मजदूर बुलाते हैं, बोला भाई ठीक है पेड़ी के वो जो पौध है वो लगा दीजिएगा, तो माइग्रेंट लेबर है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज ए रॉ मेटीरियल, इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है एज ए रॉ मेटीरियल यूज होता है इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अगर परिपेक्ष में देखते हैं तो वो रॉ मेटेरियल के रूप में यूज होता है। इसके एग्जाम्पल हमने आपको पहले दे दिए थे, टी है, कॉफी है, रबड़ है, सुगर कैन है, बनाना है एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। टी इन आसाम, अगर हम आसाम की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपका आसाम पड़ता है, सेवन सिस्टर्स में पड़ता है, एंड नॉर्थ बंगाल, बंगाल के मिड से आप नापेंगे तो नॉर्थ में जो नॉर्थ बंगाल है वो कॉफी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे करना, अभी यहाँ पे देख सकते हैं बनाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाना प्लांटेशन इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली क्या कंट्री में जितना बनाना आता है वो क्या आता है साउथर्न पार्ट से आता है, वहां बनाना के बहुत बड़े बड़े
बाग लगे हुए हैं, यानी कि प्लांटेशन किया हुआ, यानी कि एक लार्ज एरिया पे लगाए हुए हैं वहां पर। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं बंबू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का वहां पर क्या बंबू है, वहां का जो अनइवन जो एरिया है बड़ा उबड़ खाबड़ एरिया है, तो वहां पे बंबू टाइप के इवन दो वहां पे आपको मालूम है कि दूसरी चीज भी नहीं लगाई जाती, तो वहां पे मोस्टली ये चीजें आपको मिलती हैं। अब कर्नाटका की बात करते हैं, तो यहां पे हमने बताया कि आसाम की बात करें, नॉर्थ बंगाल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो यहां पे जो कुछ जो आपका जो है दिया हुआ, ये आपकी ये बहुत सारे साउथ के पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है, यहां पर इस प्रकार की फसल पैदा की जाती है। इन थ्री स्टेट्स में सबसे ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट है इसमें। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, यहां पर जो प्रोडक्शन किया जाता है, देखो अभी हमने बताया था दैट इज फॉर द मार्केट, दैट इज फॉर द बेनिफिशियल कॉमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या दैट इज द प्रोडक्शन इज मोस्टली फॉर द आपका मार्केट के लिए किया जाता है। एज वेल एज डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट, अब क्या है जब मार्केट से आया तो वहां पर डेवलप ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया, ताकि जहां पर प्लांटेशन किया गया है उस एरिया को कम्युनिकेशन के सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाए, वो भी बहुत जरूरी है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन, फिर उसी जो भी आपका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उससे जो है फिनिश्ड गुड बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो भी उस मार्केट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल लगती है, क्योंकि वही उसको फिनिश्ड गुड में बनाती है। तो इससे आगे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, कि इंडिया में कितने प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न है मोस्टली में, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इसके जो भी चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स हमको पहले ही भेज चुके हैं, जो भी डाउट्स हो तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।